में। अरे हाँ, हाँ मीटिंग की तो करना, ऑडियो के लिए क्लियर ऑडियो इससे आएगी। हाँ क्लियर ऑडियो वीडियो में आएगी। अरे लेकिन मेरा फोकस तो अरे लैपटॉप पर पे माइक होगा, तो तो ये है ना, मेरा माइक तो यहाँ है मेरे ना, मोबाइल पे थोड़ी दिखेगा मेरा फोकस। तो इसीलिए अपने फोन ना अपने बिल्कुल कंप्यूटर के पीछे रख लो और नहीं ऐसे नहीं थोड़ा मेरा तो, तो ताकि जरूरत नहीं है, अरे कहीं भी रख सकता है। हाँ मैंने कहीं भी रख ले, तो उसको कसर नहीं पड़ेगा। अरे मैंने रखा है बराबर लैपटॉप के पीछे ही वैसे स्टैंड पे, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी उसमें ऑडियो बराबर से रिकॉर्ड होगा, क्योंकि माइक तो मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है ना यहाँ पे, तो जितनी क्लियर अभी तुझे सुनाई दे रही है उतनी सेम क्लियरिटी से वो हाँ फोन में थोड़ी रिकॉर्ड जाएगा हो रहा है। मेरे ख्याल से। तो ये अभी सुना जैसे तो इंटरनेट वीक हो गया तो अटक रही अंकुर की आवाज मेरे लिए, तो वो अरे वैसे अटकेगी नहीं वहां पर। अरे पर अंकुर अंकुर का नेट वीक हो गया ना, सिंगापुर में रह के क्या फायदा है इसका। अबे अरे मेरे मेरे यार मेरे ना, मैं बहुत दूर बैठा हूँ अपने वाईफाई से, तो मेरे को बाहर जाना क्यों? पड़ेगा या तो। अरे नहीं तो बैटरी यही अच्छा काफी है, ये लैन लगाओ ना। लन लगाओ अरे लन। यार अब मुझे अरे बाहर अभी जाना जैसे पड़ेगा। मेरे अरे घर के पास वो टाइम कंस्ट्रक्शन पास कर चालू रहा है, है। नील का भी इंटरनेट गया। अरे आ रहा है आ हाँ रहा तो अभी मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चालू है, है। तो हाँ उसका ऑडियो आएगा पीछे ठाक ठूक या अभी एम्बुलेंस का सीन। अभी तक तो नहीं आ रहा, अभी अभी तक तक तो तो नहीं नहीं, आ पर रही वीडियो है। में शायद पकड़ेगा। वीडियो में पकड़ लेगा अगर अरे तेरे को अभी क्यों नहीं आ रही, ऐसे। क्योंकि ये वाला जो है ना ये माइक इसमें नहीं पकड़े, पर जैसे बाहर की आवाज है वो फोन में रिकॉर्ड हो जाएगी ना। मैं एक बार वाईफाई चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे बताना कि गया गया ये वो। अंकुर, ये सब तो को 3 बजे के पहले करना चाहिए था ना हाँ खुद लेट आया है साले, सबसे यार। और उसे बोल रहा अभी तो पर मैं सेटअप तो प्रॉपर करके आया हूँ ना, इसमें है। मैं भी ये पूरा फुल टाइम पा सेटअप के है। क्या फायदा, मेरे को बता अंकुर का टाइम पा के क्या अरे फायदा, कि वीडियो, ये चालू तो कर वीडियो नहीं प्ले, पाए हम। वीडियो वीडियो चालू कर रखा है मैंने। नहीं मैंने नहीं भी वीडियो वीडियो चालू कर बंद रखा है। चालू कर दिया क्या? हाँ बंद कर दूं अभी। हाँ तो तू फ्रंट चालू कैमरा दूं से रिकॉर्ड कर रहा है क्या? चलेगा, और किसी से क्या, भी कर सकता है, फ्रंट कर बैक। नहीं मैंने मैं भी बैक फ्रंट से कैमरा किया से, है। मैं बैक से कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं वैसे बार बार बंद चालू बंद चालू नहीं कर सकता, मेरे को नहीं उठ मैं के जाना फ्रंट से कर रहे हैं, पड़ेगा। अपन तो कर तू करें। क्या और रे, बीच पूरा में अपना कॉल आ गई बॉडी किसी शॉट की ले रहा तो, है अरे क्या फ्रंट तक? किसी की कॉल आ गई तो फोन पे उसको उसको हाँ कट कर यार ले वो साइलेंट। दिक्कत तो है। अरे डू नॉट डिस्टर्ब को डालना चाहिए था हाँ ना मुझे। डीएमडी में ना, डीएमडी में एयरप्लेन रुक मोड जा में डालने पड़ेगा। मैं आया मैं आया। एयरप्लेन मोड में वीडियो चलता है क्या? चल हाँ हाँ क्यों नहीं चलता, एरोप्लेन मोड में एयरप्लेन मोड में डालते सब हैं। चलता है। देख हाँ चलता है चलता आई है। होप कि मेरी कोई इम्पोर्टेंट कॉल मिस ना, मेरी संडे कौन बीवी से ऊपर है, इम्पोर्टेंट है? मैं बीवी की कॉल आती है ना ग्राउंड फ्लोर पे, शी इज ऑन सेकंड फ्लोर, तो ओ माय कॉम्युनिकेशन तेरा गॉड, फोन से होता है। ओ माय गॉड, देख रहा अंकुर सर, अंकुर म्यूट में। अंकुर अपनी स्पॉट ढूंढ रहा है। अबे ये स्पॉट है नहीं रे। अभी मैं पापा के ऑफिस में बैठ जाता हूँ ना नीचे, अब मैंने अच्छा वहीं पे पूरा अच्छा सेटअप कर अभी लिया। यार वैसे तो तू सिर्फ फोन की ऑडियो वीडियो यूज करेगा ना ऐसे तो, या फिर तू इसको भी रिकॉर्ड ही कर रहा है? इसको भी रिकॉर्ड लगा इसको दिया भी तूने अभी, रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, चालू रिकॉर्डिंग है कर अभी रहा रिकॉर्डिंग। हूँ, चलने दे, डेटा जितना हो उतना। ये देख कितना खुश है भोसड़ी का। मतलब मेरी वीडियो ठीक आ रही है, आ रही मतलब है सही आ बराबर, रही है। आ रही हाँ है हाँ आ रही है, एकदम आ रही है जबरदस्त बराबर, आ रही मस्त है। एक हाँ नंबर मेरी भी तगड़ा। बढ़िया आ रही है, बढ़िया सही आ रही है। पर नहीं अगर नहीं आ रही तो मैं बाहर अंकुर जाऊं। को बहुत दूर से मतलब पूरी बदन भी आ रहा है, मेरा सिर्फ इतना ही आ रहा है। मैं वहीं पास आ जाऊंगा। नहीं नहीं चलो नहीं ठीक है अच्छा अच्छा चलो, क्या चलो क्या चैनल का नाम क्या फाइनलाइज किया हमने? हाँ ये अनिल बताएगा। देखो तेरे को दो ऑप्शन दिया ना, इतनी मेहनत करके बता उनमें से क्या लेगा। नील थोड़ा नील लाइट सही कर ले यार, तेरे यहाँ का लाइट सही हाँ अभी से। लाइट सही था, तेरा कम हो गया एकदम, अब ठीक है, हाँ अब अरे हो वो गया। कैमरा में अच्छा रिकॉर्ड कंप्यूटर हो का रहा है, लैप, तुम लाइट लो कंप्यूटर तुम। का अच्छा चूतिया हाँ लैप, ठीक कैमरा है। चूतिया से। हाँ ओके पर तो यार चालू कर अंकुर लो, ये देख, मैं मानता हूँ लेट मेरे को थोड़ा दस रिकॉर्डिंग पंद्रह चालू मिनट कर लेट लो। हुआ, हाँ दस अंकुर पंद्रह मिनट क्यों मुझे लेट हुआ, पर मैं सेटअप प्रॉपर करके आया। तू 3 बजे ज्वाइन करके भी तू सबसे ज्यादा लेट तूने ही कराया यहाँ पे। एक, मैंने कुछ लेट नहीं किया है, मेरे बस मैंने मेरे मेरा मेरे बस हो कमरे गया में ना, वाईफाई भी बस खा हो रहा है। गया, बस हो गया। लेट्स स्टार्ट हो गया ना गाइस, कमरे बस। का वाईफाई भी खा रहा है। वी आर आउट ऑफ हाँ टाइम। हाँ कहाँ जाना है? चलो अरे शुरू चूते को करें। देख, तूने नाम नहीं बताया, देखिए सबसे लेट नहीं है, सबसे पहला आया, नाम भी नहीं हाँ पता इसको। अरे नाम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रखना, अरे कुछ कुछ भी भी का क्या थोड़ी मतलब ठीक रखेंगे, है। तो दो ऑप्शन दिए। कुछ भी पॉडकास्ट बोल के चालू कर ये दिया। नोट्स पे हाँ लिख रहा चालू है कर दे, तू नोट्स क्या लिख नोट्स। रहा ये वैंसे अलग रिपोर्टर हो रखा है। अरे नोट्स यार नहीं वे, ड्राइंग बनाना था वो घर से यार प्रिपेयर ड्राइंग करके बना रहा आया है, दिखा मैं कोरोना की दिखा ड्राइंग दिखा, क्या ड्राइंग बनाई है ड्राइंग तुझे, दिखाई। ड्राइंग दिखा। अरे नहीं वो पीछे मैंने कुछ दिख रहा भी है? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बहुत नथिंग उजाला आ रहा है उसमें। इनविजिबल।
अच्छा नहीं बकचोदी छोड़, ऐसा सही में चालू कर। अच्छा व्हाट इज द नेम ऑफ आवर पॉडकास्ट? अबे इंग्लिश में बोलने से वो थोड़ा प्रोफेशनल हो जाएगा क्या? पता नहीं यार, तो कुछ नहीं इंग्लिश। अरे ऐसा में जो निकल आएगी निकल आएगी। हां जो निकल आएगी मराठी निकल आएगी, तेरी तेलुगु निकल आएगी निकल आएगी। हमारी मारवाड़ी नहीं निकलेगी, बस तेलुगु और मराठी निकलेगी। तो तू निकालना है मारवाड़ी भी निकाल, इतना जो मने वो निकाल। अंकुर तू कौन से निकालेगा? पता नहीं यार मेरे को, तो पता नहीं कुछ भी निकल सकते मेरे से तो। अबे अंकुर तेरी मदर टंग क्या है? हिंदी है ना, और कुछ भी नहीं आता ना तुझे? हाँ हिंदी है हिंदी। अरे पर वो जॉय का तो है ना फिलिपिनो। हाँ वो सीख ले, फिलिपिनो बोलूंगा। वो इसका मदर टंग थोड़ी हुआ, वो इसके बच्चों का मदर टंग होगा ना। हाँ वो भी कुमुस्ता, कुमुस्ता कर लूंगा मैं तो। कुमुस्ता क्या होता है? पूरे ग्लोबल ऑडियंस पूरे स्पैनिश कोमो एस्टा, कोमो साउथ ईस्ट एशियन के सारी ऑडियंस को लपेटे में ले लेना हमको। हाँ इनका काफी लैंग्वेज स्पैनिश से मिलती है ना, तो फिर ये कुमुस्ता कोमो एस्टा बड़ा सेम सेम सा है इनके, उनका काउंटिंग भी बड़े सेम से, मैग्नीट्यूड भी बड़े सेम से स्पैनिश से। आई लव यू। तेरा बच्चा रुक गया पीछे। अच्छा ठीक है यार, तुम लोग साला इतना टाइम वेस्ट कर दे रहे हो, बताओ जल्दी बताना यार एक नाम बताओ। अरे दो नाम क्या थे हमारे, एक तो था अंकुर तूने क्या सजेस्ट किया था? अंकुर ने बेड टाइम पॉडकास्ट सजेस्ट किया था, बेड टाइम और अनफ्रेंडली पॉडकास्ट जो अनफ्रेंडली टॉक कुछ करके दिया था ना। एवरेज पॉडकास्ट और बेड टाइम पॉडकास्ट दो ऑप्शन थे, और एक अनफ्रेंडली टॉक्स दूसरा जो एक और दिया था, तो लेकिन हमने आकाश ने दो चूज किया। और अगर चेतन तेरे मन में कुछ है तो तू भी बता दे। नहीं भाई और सब बताओ, फ्रॉम माय साइड मामा मम्मी सब। ये दोनों वापस बताऊं नाम, एवरेज पॉडकास्ट और एक और कौन सा था? बेड टाइम पॉडकास्ट। बेड टाइम वाला ज्यादा बढ़िया है। हां बेड टाइम पॉडकास्ट रखते हैं। ठीक है बेड टाइम पॉडकास्ट पक्का। चलो ठीक है। म्यूजिक क्या डालेंगे भैया? म्यूजिक चलो भैया नील चालू हो जाओ। आई होप तुम सबके पास तुम्हारे बेड टाइम पॉडकास्ट टेक वन वो करते ना ऐसे पिक्चर शुरू होता है। एक्शन 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 बोलेगा क्या? अबे अरे चल यार तू एक्शन बोल, मैं बोल डालता हूँ स्टार्टिंग का। अभी 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 ये जो मोमेंट है यहाँ से अपना एक्चुअल पॉज का शुरू करना, ये जो बकचोदी थी इसके पहले का। ठीक है तो एक कोल्ड ओपन देते हैं, सब लोग एक सेकंड के लिए शांत रहिए। अबे उजाला करते रहे इसमें, अंधेरे में कुछ चला गया इसका, उसमें तो उजाला होगा इसके फोन में। चलो मेरा फोन रिकॉर्डिंग हो रहा है, सबके फोन रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो चालू करो। अच्छा ठीक है, चलिए जी वेलकम वेलकम वेलकम, दिस इज बेड टाइम पॉडकास्ट एंड वी आर हियर टुडे टू डिस्कस अबाउट कोरोना। कोरोना ही कर लेते, कोविड कर लेते, और कुछ तो है नहीं इसको बात करने के लिए। ठीक है भैया कोरोना से शुरू करते हैं चलो। लेकिन बेड टाइम हो गया तुम्हारे? मतलब मेरे तो हो गया टाइम, बेड टाइम तो तेरा तो हो ही जाएगा, पर मेरा तो नहीं हुआ अभी। हमारे यहाँ पे तो अभी दोपहर चल रही है तो ये अभी लॉकडाउन के चक्कर में मैं दोपहर को भी बढ़िया सोता हूँ ना। तो 24 घंटे बेड टाइम है। हाँ बिल्कुल चलो ठीक है। और फिर हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं कोविड की। और क्या पर कोविड से रिलेटेड तो इतना कुछ है पहले से, क्या नया बताए? अबे नया बता भाई नील, तेरे गांव में क्या चल रहा है? ओडिशा तो सबसे आगे है, मतलब उधर ऑक्सीजन भी ज्यादा है दूसरों। हाँ तो वहाँ पे प्लांट है ना, क्योंकि बिकॉज दे हैव प्लांट इससे ज्यादा है वहाँ पे। हाँ तो वो तो दूसरे स्टेट्स के भी हेल्प कर रहा है। तो बताओ क्या चल रहा है क्या तुम्हारे गांव में? वहाँ पे कितना लॉकडाउन क्यों लगाया जब वहाँ पे एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, केसेस हजारों में भी नहीं आ रहे? केसेस बढ़ रहे, केसेस बढ़ रहे थे ओडिशा में जो जहाँ पे तू मार्कोना में है वहाँ तेरे गांव में कितने केस है लगभग? कितने केस वो मतलब कितना मतलब? अरे मेरे को क्या नंबर बहुत ज्यादा है क्या? नहीं अरे बहुत ज्यादा है क्या? अरे नहीं बाबा ऐसा पता भी नहीं है और ऐसा कुछ डिस्क्लोज भी नहीं हुआ है कि इतने नंबर बढ़े। नंबर काउंट कैसे डिस्क्लोज नहीं हो रहे? काउंट तो एवरी पेज काउंट तो नंबर होते हैं, लेकिन जैसे अगर चलो वो सब छोड़ दे तो ये सब पॉलिटिकल नंबर नहीं पता होंगे जो गवर्नमेंट मतलब बता रही है। तेरे फैमिली में लोग कैसे हैं, तेरे गांव में नोन लोग कैसे हैं?
तो यूजुअली मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, जैसे कि मैं सिटी में नहीं रहता, मैं गांव के अंदर रहता हूँ यहाँ पर उड़ीसा में. तो और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक हॉस्पिटल है जस्ट मेरे गांव में ही, और बाकी छोटे छोटे गांव के लोग भी वहीं आते हैं अपना इलाज कराने. इवन कोविड की वैक्सीनेशन भी यहीं मिलती है, तो जो भी आस पास के गाँव सब लोग को यहीं आना पड़ता है. और यहाँ पर कोविड की सिचुएशन ये है कि वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, लोग आते हैं, रोज भीड़ होती है, और कुछ लोगों को मिलता है और कुछ, मतलब 200 आता है तो 200 खत्म हो जाता है, बाकी लोग वापस जाते हैं. और यहाँ पर है कोरोना, हो रहा है लोगों को कोरोना, पर ऐसा नहीं ये है. लोग फिर वैक्सीनेशन की, हाँ, ये वैक्सीनेशन की बुकिंग कैसे कर रहे हैं? तो अगर पहले से करके आ रहे हैं फिर ये बस वॉक इन है ना, बुकिंग इज नॉट देयर. अच्छा, वॉक इन है ये. यहाँ पर लोगों के पास पर है वॉकिंग सब जगह ही या उसके यहाँ पर? मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, मेरे गांव की बात कर रहा हूँ. यहाँ पर लोगों के पास बहुत, मतलब रूरल एरिया यार, कहाँ बुकिंग, कौन लिमिटेड रिसोर्सेज है यहाँ पर, कर पाएंगे वो रिसोर्सेस नहीं, तो इतने स्मार्ट नहीं है ना यार. एप्लीकेशन ओपन करो, यहाँ पर केवा केंद्र होता है जनरली, तो लोग कुछ भी ऑनलाइन करना होता है उनको, तो वो सेवा केंद्र में आके कराते हैं अपना ऑनलाइन, खुद नहीं कर पाते. तो उनके फोन तो होगा ना, अगर वहाँ पे तू जो बता रहे एक ही अबे नहीं, तो वही तो वो बता रहा है कि जैसे अभी तू जो बोल रहा है उसको कोविन ऐप में जाके रजिस्टर करना. नहीं, कोविन ऐप में ना करो, मैं वो नहीं कह रहा, वो एटलीस्ट फोन करके पूछ सकते हैं. लोग 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर से पता करने आते हैं, फिर पता लगता है वैक्सीनेशन नहीं है, फिर वापस चले जाते हैं. तो एटलीस्ट जो वहां पे, तो वैसे यहाँ पर आशा कर्मी बोलते हैं, आशा कर्मी हाँ, तो वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, तो वो लोग गांव-गांव जाके बोलते हैं कि वैक्सीन अवेलेबल है, अवेलेबल है, आप जाके लगा लीजिए. पर उनके पर वही तो बात है ना, वो आशा कर्मी वहां तक पहुंचने तक, वहां के लोगों को इन्फॉर्म करने तक, वहां के लोग उनकी बात सुन के, अगले दिन जब तक आगे तब तक खत्म है. हाँ, तब तक स्टॉक खत्म, मतलब. हाँ, ऐसा काफी बार होता है कि एक ही बार में अगर क्वांटिटी कितनी आई है, और 200 यहाँ पे भी डेली आते हैं एक एक आउटलेट में. नहीं, महाराष्ट्र में तो ऐसा, मतलब ऑफिशियली बोला गया, नहीं महाराष्ट्र में ऑफिशियली ऐसा बोला गया है कि ऑलमोस्ट 500 वैक्सीन पर वैक्सीनेशन सेंटर में मिलेंगे रोज. यहाँ पे 200 काउंट है दिल्ली में, ऑनलाइन स्लॉट ही 200 है, ऑफलाइन भी 200 है, मिली 200 रही है पर डे, उन्हें मिली नहीं रही उससे ज्यादा. पर मुझे नहीं पता कि सही में हर वैक्सीनेशन सेंटर को हर रोज मिल रहा है और 500 ही मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, वो मुझे नहीं पता. बट जो न्यूज में दिखाया गया था वो हिसाब से गवर्नमेंट ने बोला है कि हर वैक्सीनेशन सेंटर को हर रोज 500 डोजेस डेली मिलेगी. तो क्या कहते हैं, लेकिन 500 तो फिर भी सैटरडे संडे मिलती है वैक्सीन? पता नहीं यार, हाँ, तो अंकुर तू क्या पूछ रहा था भाई, 500 कम है तेरे हिसाब से? अगर 500 मतलब नहीं, 500 अगर कम तो क्या ही बोलूं, मुझे अगर कोई गवर्नमेंट नंबर दिया होगा. हाँ, लेकिन जैसे अगर जैसे इसने बताया कि 500 अगर उनके पास आया, आशा कर्मी वाले गांव वालों के पास गए, उन्होंने बताया कि वैक्सीन आ गई. अरे नहीं, तो 500 उसका नहीं बोल रहा हूँ मैं, 500 तो महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र उनके पास नहीं पहुंच रहा है, या हर जो डेली का 500 बोला तो 500 नहीं आ रहे, कुछ कम आ जा रहे हैं, फिर वो बोल रहे कि नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट भेजेंगे तभी उसमें मैच, हाँ वो कर देंगे, बट वो नहीं हो पा रहा है पूरा. अरे मैं अभी मुंबई में हूँ यार, मुंबई में भी मैं कितना वो कोविन ऐप हर दिन में 3-4 बारी चेक करता हूँ, कोई स्लॉट ही नहीं है, एक स्लॉट अवेलेबल नहीं है अभी. तेरे को नहीं लगा, तेरे को या तेरी वाइफ को अभी तक? मेरे को नहीं, हम लोग चेतन तेरे को लगा? नहीं, मेरे को, मेरे वाइफ को, मेरे बड़े भाई ने, किसी ने भी अभी तक, जो भी 18 प्लस वाले है ना, किसी ने को भी, हम लोग को एक भी डोज नहीं लगा वैक्सीनेशन. मुझे करिश्मा को और राशि को लग चुका है फर्स्ट डोज, तो हम लोग रजिस्टर ही नहीं कर पाए यार, को बैन को लग गया. तुमने कैसे लग गया है? अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 900 रुपीस पर वैक्सीनेशन है मिल रही है जो प्राइस है. नहीं, स्लॉट नहीं मिल रहे, प्राइवेट पेड में भी नहीं मिल रहा स्लॉट, बहुत रेयरली बाय लक मिल रहा. तुझे कैसे मिला?
वही रात को 2 बजे के आसपास आई वाज ट्राइंग टू मिल गया बस उस वक्त प्लॉट जैसे उन्होंने मेरी 12 बजे हाँ ये मैंने एक मीम देखा ये मैंने मीम देखा है कि रात को ही मिल रहा है ये 3 बजे से का 5 मिनट के लिए विंडो खुलती है फिर बंद हो जाती है मतलब वो बुक हो जाती है बंद भी नहीं होती वो बुक हो जाती है तुरंत ही ये तो तेरी बात हो गई ना बट जैसा भी ये मीम बना ये बना तो इन जनरल जो पब्लिक है वो तो रात रात तक बैठ के देख रही है कि भैया कब मिले बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग तो जितने इतना क्यों कर रहे हैं मुझे लगता है घर में बैठो आराम से लेकिन घर पे बैठे बैठे भी लोगों को हो रहा है ना भाई अगर बाहर कितनी भी प्रिकॉशंस ले ले तब भी रिस्क है तो लोग वो रिस्क भी क्यों ले जब वैक्सीनेशन आ गई है तो मेरे घर का एग्जांपल देख लो सिर्फ सब्जी लेने जा रहे थे और दूध लेने जा रहे थे तो वो तो फिर भी बाहर जा रहे थे ना तब भी हो गया लेकिन लोगों का तो ये एग्जांपल है वो घर पे है सिर्फ बाहर से सामान घर पे आ रहे तब भी उन्हें हो गया ऐसे एग्जाम्पल्स भी मेरे नोन में कितने अभी अभी मेरे एक दोस्त ने अभी हम लोग का जो एरिया है जहाँ हम लोग रहते हैं वहां पे नहीं मिल रहा था ना कोई भी स्लॉट ही अवेलेबल नहीं था तो उसने कहा था कोविन ऐप वो जो पोर्टल है उसमें आप पिन कोड डाल के सर्च करते हो कि उसमें स्लॉट्स अवेलेबल है कि नहीं तो लोग ऐसे रैंडमली कोई भी पिन कोड डाल रहे हैं जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हाँ कोई बैंड्रा में रहता है बैंड्रा में रह रहा है पर उसने नवी मुंबई का कोई ऐसे पिन कोड डाल दिया और वहां पे स्लॉट मिला तो बुक कर ले क्योंकि मेरा आज एक फ्रेंड था वो नवी मुंबई गया एरोली उधर जाके उसने पहला डोज लगवा के लाया तो मैंने बोला कि तेरे को वहां कैसे मिला बोला कि अरे मैं ऐसे ही डाल रहा था अलग अलग पिन कोड कहाँ है अवेलेबल और कर डाला वो कुछ भी मैच नहीं कर रहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट तुम डालो अपने स्टेट तुम दूसरे स्टेट में भी जाके ले सकते हो जैसे दिल्ली में हूँ मैं एनसीआर मेरे पास है मैं गुड़गांव जाके ले लूँ अगर वहाँ पे स्लॉट अवेलेबल है तो ये तो लेकिन रिस्की है ना एक तरफ से तुम ज्यादा घूम रहे हो ज्यादा फैल रहे हो ऐसा तो पर अगेन वो गाड़ी में गया होगा ऑफ कोर्स अपनी प्राइवेट कार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं तो वो सेफ ही था वैसे अगर वो घर से बाहर 1 किलोमीटर भी अपनी गाड़ी में जा रहा है 50 किलोमीटर भी जा रहा है तो अपनी गाड़ी के अंदर ही ना हाँ, वैसे ओडिशा में ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया है भुवनेश्वर हाँ ओडिशा में है मध्य प्रदेश में है नहीं मुंबई में भी गाड़ी अपनी लाइन मतलब मैंने अब तक इंडिया में ड्राइव इन मैकडोनल्ड्स इन सब तो देखे नहीं है क्या पता हो भी लेकिन अरे हर मेरे हिसाब से तो हर मैकडोनल्ड्स में एक ड्राइव थ्रू का खिड़की डाल रखा है अभी नहीं नहीं हर मैकडोनल्ड्स में गए अरे नहीं रे मेरे भाई जो मॉल में जो मॉल में है ना जो मॉल वाले मैकडोनल्ड्स है वो नहीं जो सिर्फ मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे भी नहीं है अरे है ना यार पुणे में तो है बाड़मेर में पूरे हैदराबाद में बस एक ही मैकडोनल्ड्स है कुछ भी बोलते हैं साले ड्राइव इन वाले की बात कर रहा हूं ड्राइव इन एक ही है दिल्ली में भी एक या दो ही है बस बाकी अरे नहीं फिर तो यार नहीं इधर मुंबई पुणे में तो ज्यादा है यार फिर हां नहीं नहीं तू ग्रेट है मुंबई ग्रेट भाई इज अ ग्रेट सिटी अबे नहीं यार सही में ज्यादा है अभी देखो मैं बताता हूँ चल पुणे का बताता हूँ मैंने पुणे में 3 या 4 मैकडोनल्ड्स देखे रहेंगे एक इधर बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट बानेर का इधर का उधर है ड्राइव थ्रू फिर उसके बाद अपना आउंड के एक मॉल के पास में जो भी वेस्टर्न मॉल के पास होंगे ना लास्ट 2-3 इयर्स उसमें भी है ड्राइव थ्रू उसमें इजीली मिल जाएगा जो पुराने कंस्ट्रक्ट हो रखे हैं मैकडीज उनमें नहीं मिलेगा क्योंकि तब पैटर्न ही नहीं था इसका ट्रेंड नहीं था तुम कोविड से मैकडोनल्ड्स में घुस गए हैं कोई कोविड से नहीं मैकडोनल्ड्स से नहीं अरे कोई बात नहीं मैं खाली इतनी से बोली कि मैंने देखा नहीं ड्राइव इन घुस गए एकदम अरे मतलब हाँ हाँ उसका ये बोलने का मतलब उसका बोलने का मतलब कि उसने मैंने तो सिंगापुर में भी एक भी नहीं देखा है मैं तो लाइक यहाँ पे भी कोई ड्राइव थ्रू नहीं है मतलब यहाँ पे भी यहाँ पे है ही नहीं मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे जगह ही नहीं है पहली बात तो प्रॉब्लम सिंगापुर में गाड़ियां ही नहीं है गाड़ी बहुत है यार गाड़ी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे लेकिन जगह नहीं दिल्ली में वन वीक का लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है यार अभी अभी अनाउंसमेंट आई और मेट्रो भी इस बार बंद कर दी थोड़ी और स्ट्रिक्टनेस है नो वेडिंग फॉर वन वीक जो भी वेडिंग फॉर वन वीक ये वन वीक का वन वीक का आइडिया मुझे फिर भी ठीक लग रहा है क्योंकि फ्रस्ट्रेट ना हो जाए कि एक महीना बोल दिया अबे वो डर ना जाए अनाउंस कर रहा है हर हफ्ते संडे को ऐसा है दोपहर को वन वीक का अनाउंस कर देते हैं और थोड़े थोड़े रूल्स एड ऑन कर देते हैं इससे वो रेशियो भी कम हो गया मतलब लगभग 20-30% कम हो गए ना कम हो गए 30% सेम महाराष्ट्र में भी हुआ
ऑलमोस्ट 20% से इंडिया अभी भी अचीव लाइक अलग ही हाइट अचीव कर रहा है लाइक ना वो अभी 4 लाख केसेस पर डे हां पर डे आ रहे हैं तो वो तो अभी भी मेंटेन्ड है वो मेंटेन है लेकिन इसका रिकवरी रेट भी तो 3 से 4 लाख है ना अरे लेकिन 3 से 4 लाख लॉकडाउन शुरू हो रहा है लॉकडाउन अभी शुरू हुआ है तो थोड़ा वो एक महीने बाद होगा राइट चेन ब्रेक होने में टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा प्लस रिकवरी रेट भी बहुत बढ़ गई ना 3 से 4 लाख तुम लोगों को क्या लगता है कि ये कब कम होगा मतलब कि कम भी मतलब कितना कि 50,000 तक केसेस दिन क्या लगेगा अपन काम कितना टाइम लगेगा है हमको क्या पता मैथमेटिशियन नहीं एक इतना तो हमने पूरा फर्स्ट वेव देखा फिर इसका हां तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कम नहीं होगा क्योंकि लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्टनेस है नहीं अभी आज नागपुर का वीडियो आ रहा था नागपुर के वो सब्जी मंडी में लोग इतने हजारों लोग आए हुए थे वहां पे सामान लेने तो लॉकडाउन लगा हुआ है जबकि नागपुर में तब भी हजारों की भीड़ थी वहां पे यूएस में जो उनका 2.5-3 लाख का ट्रेंड चला था तो वो कम से कम एक महीना चला था अभी इंडिया को शायद 2 हफ्ते हो गए दो हफ्ते दस दिन तो अगर ये एक ये महीना पूरा कह रहे हैं तो इंडिया नंबर वन हो जाएगा मेरे हिसाब से थर्ड वेव भी आ जाएगी थर्ड वेव ये वेव क्या है फर्स्ट वेव सेकंड वेव थर्ड वेव क्या है मतलब स्पाइक आना केसेस का फिर नीचे जाना उसको वेव कहते हैं तो कह रहे हैं 15 मई के बाद डाउन होगा 10-15 दिनों के लिए फिर मई लास्ट वीक में फिर से बढ़ेंगे क्योंकि वो 15 मई के बाद इसलिए वो लगा रहे हैं अंदाजा क्योंकि लॉकडाउन लगा एक महीना हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में तो 15 मई तक केसेस कम होंगे लेकिन फिर 25-26 मई के बाद वापस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एडमिट किया है अच्छा लेकिन उन्होंने तो इम्पोज लॉकडाउन इम्पोज करने के लिए नेशनल लेवल पे मतलब नेशनल पे बोला है इंडियन गवर्नमेंट को लेकिन वो इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रही उन्होंने स्टेट पे छोड़ दिया है अब उसके बहुत एक्स नंबर ऑफ रीजंस हैं क्योंकि उन्हें एक तो फंडिंग देनी पड़ती है सबसे पहला रीजन अगर इंडियन गवर्नमेंट लगाएगी लॉकडाउन तो जो भी फंडिंग चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को जो भी उसकी वजह से वो सब इंडियन गवर्नमेंट से मांगेंगे वो लोग जैसा पहले लॉकडाउन में मांगा था अभी गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी है जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने हर एक ऑटो वालों को 5,000 रुपए देने का वो किया है प्रॉमिस लगभग 16 लाख परिवारों को फ्री राशन देगी एक महीने के लिए वैसे एक महीने के लिए एक महीने के लिए फॉर 1 मंथ अरे तो बहुत बहुत ज्यादा दे रहे यार 5,000 फॉर 1.5 लाख ऑटो वाले हैं दिल्ली में तो 5,000 हर एक ऑटो वालों को दे रही है तो वो भी बहुत राशन मंथली है वो मंथली में डेली है वीकली कैसे टोकन बांट रहे हैं वो अच्छा अरे जैसे अभी तूने जो पूछा कि हमारे हिसाब से कब वो एकदम केसेस डाउन होंगे तो मुझे लगता है कि जीरो होने में तो बहुत लंबा टाइम जाएगा जीरो तो कहीं पे नहीं होगा जीरो अभी ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हुए जो इतनी फिटनेस के साथ सिंगापुर के साथ चेन्नई से देश देश में हुए तो यहाँ पे भी अचानक से केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए अरे तो तूने कितना फिगर बोली थी क्या 50,000 मैंने और अंकुर ने मैंने बोला ना कि अभी तो जैसे 4 लाख केस आ रहे हैं तो 50,000 तक आते आते कितना टाइम लग जाएगा तो उस हिसाब से कोई भी अज्यूम नहीं कर सकता जो चल रहा है ना अभी जब वो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे अज्यूम ये बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट है और स्पेशली कि इतना अनप्रेडिक्टेबल कंट्री इंडिया क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तुम कैसे प्रेडिक्ट करोगे बात सही है वो इसीलिए वो गेस वर्क के लिए पूछ रहा था कि कौन क्या गेस कर सकते हो और लेकिन इतना श्योरिटी के साथ है फर्स्ट वेव जब आई थी तो मेरे नोन में मुझे 1,000 में एक बंदा भी नहीं मिलता था जिसे हुआ और अब मुझे हर 10 बंदे में 5 बंदे मिल रहे हैं कम से कम भी जो मेरे नोन में जिनकी फैमिली में सबको हो चुका है बिल्कुल मेरे तो इतने सारे रिलेटिव्स में इतने सारे रिलेटिव्स को मैं सुन रहा हूँ कि अरे इसका केस आ गया इसका केस आ गया रिलेटिव फ्रेंड्स मेरे ऑफिस में अब मेरे ऑफिस में ही मेरे कलीग हैं एक हफ्ते से उससे बेड नहीं मिल रहा था बड़ी मुश्किल से किसी टाइम अप्रोच लगा के ऑफिस वालों ने बेड अरेंज करके उसे दिया है एम्स में वो भी एक विंग कमांडर की अप्रोच लगा के उसे बेड मिला है अभी मैं दिल्ली में किसी एक दोस्त को भी नहीं जानता कि जिसने बोला हो कि मेरे घर में केस नहीं है कोई भी एक दोस्त नहीं मिला मुझे अब तक सबके घर में केस मिला है मुझे तो मतलब दिल्ली में तो कुछ ज्यादा फैल गया क्या ये क्या हो सकता है कि दिल्ली की हवा में ही वायरस है क्योंकि आईपीएल सही चल रहा था मुंबई और चेन्नई में आईपीएल जैसे ही दिल्ली गया वहां पे केसेस आने शुरू हो गए हो सकता है क्योंकि वायरस एयरबॉर्न भी है और दिल्ली में बारिश भी कम होती है तो वायरस शायद हवा में रह रहा मतलब मैं ऐसे तुक्का मार रहा हूं बारिश मेरी आवाज आ रही है अभी सही बीच में मैं कनेक्शन हाँ तो मैं तेरे को वो तूने कितना 50,000 केसेस बोले थे ना कि 50,000 तक कब आएगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने यहाँ पे वैक्सीनेशन ही नहीं है ना जब वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा जब तक आएंगे ना
तो ही केसेस पर भी कंट्रोल रख सकता है, क्योंकि लॉकडाउन वैक्सीनेशन भी केसेस नेगेटिव नहीं कर रहा ना, वैक्सीनेशन अरे नहीं पर रिकवरी कर रहा है, हाँ रिकवरी रेट होगा, लेकिन पॉजिटिव तो फिर डेथ टोल, हाँ डेथ टोल तो कम हो जाएगा ना, पर हाँ वो कम हो जाएगा जब लोग क्योंकि अभी देख जैसे अभी देख ये स्पाइक नीचे जा रहा है, ये बोल रहा था कि दिल्ली में भी कुछ परसेंट या रेशियो में नीचे गए केसेस, ठीक है हाँ। तो अभी वो केसेस क्यों गए, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, पर जैसे जैसे वापस रिलैक्सेशन मिलेंगे लोगों को, अनलॉक होगा, फिर लोग बाहर निकलेंगे या भीड़ करेंगे, तो फिर दोबारा से वो केसेस राइज होंगे ही, तो इवेंचुअली डेथ टोल कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सबको वैक्सीनेशन देके हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। या हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के बाद मेक सेंस, बट थोड़ा रिस्की तो है क्योंकि उसके बाद भी क्योंकि क्योंकि वैक्सीन, हाँ मतलब क्या ही कर सकते हैं, कुछ है नहीं हमारे पास, लेकिन वैक्सीनेशन इज अ सॉल्यूशन। और ये नया स्ट्रेन आ रहे हैं, पता नहीं ये नए स्ट्रेन वायरस वैक्सीन के अगेंस्ट, मतलब वैक्सीन कितने सक्सेसफुल होगी इस नए स्ट्रेन के अगेंस्ट। इंडियन स्ट्रेन तो नोन हो गया मतलब वर्ल्ड में कि अरे इंडियन स्ट्रेन आ गया, सिंगापुर में भी इंडियन स्ट्रेन आया, अरे इंडिया इंडियन स्ट्रेन आ गया। मुझे लग रहा था कि चेतन चेतन चला गया एक सेकंड के लिए, वो ऐसे थोड़ा हिला वो बीच में। मतलब यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ शफल हो रहे हैं, तो ऐसी होती है बातें, और कैसी होती है बातें, जुड़ती है। साले तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, काट काट निकाल ले जो निकाल सकता है। तो सिंगापुर में कैसा लॉकडाउन चल रहा है अभी, कहाँ कैसा लॉकडाउन चल रहा है, जैसे कि तू सिंगापुर में हमको हाँ, तो अभी हम लॉकडाउन पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा थोड़ा बोलो हाँ, कि किसी हाँ, को लोग आइडिया मिले कि अलग अलग स्टेट्स में लॉकडाउन का सिचुएशन कैसा है और मतलब कैसा चल रहा है सिचुएशन। ओडिशा में बात, सिंगापुर में कभी लॉकडाउन लगा ही नहीं, सिंगापुर में फर्स्ट वीक में भी कभी लॉकडाउन लगा, इन्होंने नया टर्म दिया, दे कॉल्ड इट सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर के मल्टीपल फेजेस थे, फेजेस खुलने के, तो सर्किट ब्रेकर में क्या हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज ऑन और एसेंशियल सर्विसेज वर ऑन, लाइक ग्रोसरीज ये सब खुला हुआ है, लेकिन बार्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, ऑफिस जाना बंद हो गया, तो ये सब मेन जो चीजें जो दिल्ली में लगा हुआ है, जो भी दिल्ली में लगा हुआ है, जिसको पार्शियल लॉकडाउन बोल रहे हैं, तो इसको सर्किट ब्रेकर बोल रहे थे। फिर जब चीजें खुलनी शुरू हुई तो उसको बोला फेज वन में खुलेंगे, तो धीरे धीरे चीजें खोली, रेस्टोरेंट्स खोल दिए, फेज टू में बोला कि 5 लोग एक साथ बैठ सकते हैं टेबल पे, फिर फेज 3 में बोला कि 8 लोग बैठ सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी सिर्फ 8 लोग के ग्रुप खेल सकते हैं। तो अभी 45 मिनट वाला है, कहते रहिए, फ्री फ्री मीटिंग है ना, ओके हाँ। तो अभी क्या है, अभी वापस केसेस आने शुरू हो गए अचानक से, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेस में कुछ वापस से शायद इंडियन स्ट्रेन दिखा उनको, और केसेस बढ़ने शुरू हुए, लाइक दिन के 10 केसेस आने लगे, 15 केसेस आने लगे, तो दे एक्ट रियली फास्ट, तो इसीलिए उन्होंने वापस फेज टू में आ गए, फेज 3 से वापस फेज 2 में आ गए, और फिर से नंबर ऑफ जो ग्रुप का साइज था वो रिड्यूस कर दिया है, और जिम्स बंद कर दिए हैं, बार फिर से बंद कर दिए हैं, तो इससे कंट्रोल तो लगा, क्योंकि अचानक पहले 15 केस आए थे 2-4 दिन पहले, और आज 1-2 केसेस आ रहे हैं, तो फर्क तो पड़ता है कि जितनी जल्दी एक्ट करोगे, और 15 केस में लॉकडाउन कर दिया, मतलब ऐसा पार्शियल लॉकडाउन नहीं, मतलब रिड्यूस रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी, नहीं तो स्टॉक वगैरह जो बंद हो गए, जिम्स बंद हो गए, तो जो लोगों का नुकसान हो रहा है वो गवर्नमेंट कुछ कर रही है उन लोगों को, या लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है उस नुकसान से? नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे फंड्स मिल रहे हैं उनको, बिल्कुल फंड्स मिल रहे हैं जिनको, जैसे जैसे एविएशन इंडस्ट्री वाले लोग हो गए या फिर बार वाले हो गए, तो उनको गवर्नमेंट फंड कर रही है, उनको महीने के पैसे देती है, इनफैक्ट दे स्टार्टेड न्यू थिंग लाइक कि तुम अपने आप को अपग्रेड करो, नई स्किल्स लर्न कर लो ताकि कहीं और जॉब मिल जाए, तो उन स्किल्स को लर्न करने के लिए पैसे देने लगी। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें, किसी का जिम है, उनको लिए सपोर्ट कर रही है, आई थिंक दे आर गिविंग अबाउट $800 और $1,000 महीना, जो कि पूरा महीना का खर्चा वर्चा निकालने के लिए। ये जो फंडिंग है ना, हम हमेशा बाहर से कंपेयर करते हैं कि सिंगापुर में जैसे इसने बताया कि फंडिंग हो रही है, ये हो रही है, वहां की गवर्नमेंट से अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन साइज बहुत कम है। जैसे मैंने सिंगापुर से तो इंडिया को बिल्कुल डिवाइड कर ले, नहीं कर रहा इंडिया को, लेकिन तो स्टेट में डिवाइड कर दे, स्टेट को तो सिटी में डिवाइड कर दे, तो सिटी सिटीज को, अगर इनफैक्ट सिटीज टू सिटी कंपेयर कर, दिल्ली वर्सेस दिल्ली का एग्जांपल ले, अभी दिल्ली को दिया, दिल्ली और सिंगापुर का एग्जांपल करो, दिल्ली गवर्नमेंट ने फंड किया ना लोगों को जितना भी कर पा रही है। अरे पर हर मतलब सभी, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया का मैंने सुना कि जिन्होंने भी टेस्टिंग कराई, कोरोना का टेस्ट लिया, उनको भी कुछ डॉलर्स दिए गए, सिर्फ टेस्ट कराने के डॉलर्स दिए गए,
ठीक है, एनकरेज कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि आप आगे आइए टेस्टिंग कीजिए। ऑस्ट्रेलिया की तो यार अगेन ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर नहीं कर सकते कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है दिल्ली से कम या उसी के बराबर है। हां वही पूरा ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया से बड़ी कंट्री है, सिंगापुर का भी सेम होगा ना केस कि पूरे दिल्ली का पॉपुलेशन सिंगापुर से ज्यादा ही होगा। हाँ दिल्ली का डबल लेवल की, दिल्ली का डबल से भी ज्यादा, आई थिंक 4 टाइम्स है दिल्ली का पॉपुलेशन सिंगापुर से। तो अगेन यस वी कैन नॉट कंपेयर, बट मैं तो मुझे ये फंडिंग वाला पॉइंट जो है बाहर से देख के ना कि बाहर के लोग तो ये करने पे इतनी फंडिंग कर रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब मेरे को अजीब लगता है कि यार हम लोग नहीं कर सकते, कितना बर्डन आ जाएगा फिर गवर्नमेंट फंडिंग ना करो। तो लॉकडाउन का रीजन यही है ना, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लोगों के पास काम धंधा नहीं होगा। फिर वही तो प्रॉब्लम हो रही है ना इंडिया जैसे देश में, वही प्रॉब्लम हो रही है कि अभी तक केसेस जैसे अभी 13-15 केस थे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, यहाँ पे तो इतने लाखों केसेस में होने के बाद लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि वैसे सबका पहला लॉकडाउन 50 केसेस में लग गया था, 1000 केसेस में लग गया था पहला लॉकडाउन भी तो लगाया था ना 1000 केस के अंदर अंदर। वो तो बहुत जल्दी लगा दिया था। और इनफैक्ट अभी भी नहीं, इस बार डिसीजन सीएम्स के हाथ में गया था ना, तो सीएम तो वही सोच रहे थे ना कि इकोनॉमिक लॉस होगा ये होगा, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में लॉकडाउन लगाना मतलब बहुत बड़े प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी तो लॉकडाउन लगा ऑलरेडी लगा चुके थे ना ऑलरेडी 2-3 दिन पहले। अभी मेरे को इस बात पे ना इसी पॉइंट पे उसकी प्राइम मिनिस्टर की बात याद आती है इटली के, तो उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लोगों ने इस देश को बचाने के लिए जान दी थी और अब हम लॉकडाउन जारी रखेंगे ताकि हम देश को लोगों को बचाने के लिए, चाहे देश कुर्बान हो जाए, देश की इकोनॉमी कुर्बान हो जाए, लेकिन लोगों को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है दोनों गवर्नमेंट्स का। तो मतलब कि दे आर रेडी टू लूज मनी फॉर इन द लाइफ फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड्स, बट लोगों की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन हमारे मतलब जैसे स्टेट बाई स्टेट हो रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे इकोनॉमी सेव करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और फिर लॉकडाउन बहुत नहीं दे रहे थे, ले दे रहे थे। हाँ, पर जब हाँ, केसेस एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गए, जैसे एक दिन में अभी तो बोल रहा ना एक दिन के इतने लाख और इतने थाउजेंड और इतने लाख, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अरे अब ये कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है तो लगा दो करके लोग। अरे लेकिन अभी भी बहुत जरूरी नहीं लगा है अभी महाराष्ट्र में, लॉकडाउन नहीं है ना महाराष्ट्र में, तो लग गया ना सैटरडे संडे तो टोटल लॉकडाउन है और मंडे टू फ्राइडे लॉकडाउन तो कम्प्लीटली बंद है। एसेंशियल स्टोर्स भी पूरे बंद रहेंगे और वीकडेज, हाँ और वीकडेज में तेरा ये केमिस्ट मतलब जो फार्मेसी रहेगा वो खुला रहेगा और ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे बस। सिर्फ हमने लॉकडाउन लगा दिए, नहीं अच्छी बात है कि अब हमने लॉकडाउन लगा, लेट लगाया। इनफैक्ट हमने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था जब हमारे देश में 30,000 केसेस आने लगे थे, तो हमने वो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि हमने कोरोना को हरा दिया। लेकिन 30,000 केसेस आना दिन का वो भी बहुत बड़ी चीज है और हमने उस टाइम बोल रहे थे कि यार हमारा ये ट्रेंड तो नीचे जा रहा है, शायद नीचे चला जाएगा, जबकि सेकंड वेव की वार्निंग्स कंटिन्यूअसली मिलती रही और हमने जाके स्टेज पे बोल दिया कि हमने हरा दिया है। तो वो आई थिंक वहां पे बहुत बड़ी गलती हुई है और वहीं से स्पाइक बढ़ना शुरू हुए। तुम देखो मार्च से ये ट्रेंड ऊपर गया है। हमने ऑब्वियसली इलेक्शन हुए जो पॉलिटिकल एंगल में घुसना नहीं चाहता मैं, लेकिन अब सबने डील दे दी पॉलिटिशियंस ने, तो चलो लोगों ने भी डील दे दी, लोगों ने भी डील दी क्योंकि लोगों को डील मिल गई। अरे मैं भी तो कह रहा शादी में, दोस्त की शादी में जाके आया मैं, नील तो हैदराबाद से ओडिशा हर दो दिन में करता है अप एंड डाउन। हां 17,000 जनवरी में गाड़ी से गया था वो तो सारे लॉकडाउन में। यही आई थिंक यही लर्निंग है फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच की जो लर्निंग थी, ये थर्ड वेव को रोक सकती है अगर यही लर्निंग हम, जैसे इसका ट्रेंड नीचे जाएगा हमें बस अभी भी तब भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना है, ऐसे नहीं कि फिर से शादी करनी शुरू कर दो।
फिर शादी तो हो गई रे, दो साल हो गए मेरी शादी को। अरे तेरी बात, कितनी शादी कर रहा तू, चंगेज खान बन रहा है, इनको चाहिए 100 बीवियां। अरे नहीं भाई, दोस्त की शादी में गया था, साले खुद की थोड़ी करने गया था। हाँ, अगले दोस्त की किसी शादी होगी तो रोकना, बोलना अभी मत कर, शादी मत करो, गाली देगा बेटे, शादी कर रहा है मतलब उसकी शादी नहीं हो रही, तू शादी मत कर। अरे तो अंकुर कह रहा है कि शादी करने दो पर जाओ मत कोई। हाँ ये भी तो ये मतलब जिस टाइम मैरिज करो बस मिनिमम लोग। तो अभी दिल्ली में इस वीक वही अलाउड है, ओनली कोर्ट मैरिजेस आर अलाउड। अरे तेरे को पता है पर वही वही बोल रहा बात है, नहीं नहीं नहीं, ये लंबे टाइम तक ही रहे। नहीं नहीं नहीं, लंबे टाइम तक नहीं लगा सकते ना लोगों के, एक सेकंड सेंटीमेंट वीक में आ जाता है। अरे नहीं नहीं चेतन, चेतन तूने जो भी बोला ना इसके ऊपर से, मैंने एक इंस्टाग्राम का जो एक्सप्लोर पेज होता है ना उसके आईजीटीवी में एक वीडियो देखी। वीडियो आईजीटीवी की वीडियो थी या रील नहीं, लंबी थी तो आईजीटीवी की वीडियो ही रहेगी। तो अभी दिल्ली का तूने बोला ना जैसे कि रजिस्ट्रेशन मैरिजेस अलाउड है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या, वो बंदे ने वीडियो डाली थी, उसने घर में ही शादी की, अपने घर पे शादी की। वो रजिस्टर जो थे वो ऑफिसर है, जो भी एडवोकेट है, जो वो आते रजिस्ट्री लेके और उनके सामने हमको साइन वगैरह करना पड़ता, वो किया। बट उसके घर इतना बड़ा था और उसमें अंदर भी इतने लोग आ गएंगे, 50 नहीं थे पर काफी लोग थे उधर, ऐसा तो लग नहीं रहा था कि सिर्फ बहुत छोटी सी दो जन की शादी। हाँ तो इसमें भी एक और क्लोज है ना, तो रजिस्टर मैरिज और घर में शादी कर सकते हो विद 20 पीपल। 20 पीपल, अच्छा 20 पीपल आर अलाउड। तो मैं बोल रहा था कि यार ये कैसा रिस्ट्रिक्शन लगाया इन्होंने, ये तो पूरा रिस्ट्रिक्शंस आर वेरी डिबेटेबल। फोटोग्राफर भी था उधर, वैरायटी के साथ। हां फोटोग्राफर है ना रिस्ट्रिक्शन, मैयत में 11 लोग अलाउड है, शादी में 31 लोग अलाउड है, ऐसे ऐसे इन्होंने दे रखा है। अगर मेरे को मिलेगी तो मैं तुमके साथ शेयर करूंगा, तो देखना तो तेरे को लगेगा ही नहीं। एक केस आया था, काफी ग्रैंड फंक्शन है, ऐसे ही लगेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि बस शादी। शादी में 50 लोग ही थे, जो वेटर था उसको कोविड हो रहा था, तो शादी में जितने लोग गए थे उनको भी हो गया। अभी एक कहां पे हुआ ये, राजस्थान में मोस्ट ऑफ दी, जो मैंने ध्यान दिया टाइटल कहा था। प्लस राजस्थान में अभी एक उस गाँव में एक कोविड से बंदा मरा, लोगों के अंदर इतने भी अभी जागरूकता अवेयरनेस नहीं थी, 150 लोग उसकी मैयत में पहुंचे। अब वो कोविड से मरा है तभी वो कोई पॉपुलर बंदा होगा, वहां का लोग जाके उसके पैर छू रहे हैं, तो पूरे गांव में विलेज ट्रांसमिशन हो गया उसका, पूरे गांव को सैनिटाइज। अरे बहुत उल्टे सीधे न्यूज़ भी आ रहे हैं यार, एक न्यूज़ सुनी इनफैक्ट तुम्हें तो ये मुझे विनय बता रहा था, उसके गाँव हरियाणा में लोगों को लग रहा है कि कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं कि मोदी बेवकूफ बना रहा है, कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है, वो हमें वैक्सीन दे दे के मारना चाहता है। तो वहां पे अभी भी मोदी के अगेंस्ट वेव चल रही है, लेकिन कुछ और सेंस से चल रही है। ऐसे तो मिल जाएंगे ना, और ये कमाल की बात है। और हर एक सिटी में ऐसे गांव कोई ना कोई मिल जाएगा, सिटी में भी लोग ऐसे हैं। इवन जो मेरा दूध वाला आता है, देखिए हमको मारना चाहता है, मारना चाहता है। तो मेरा दूध वाला आता है, वो भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ फैलावा प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है, और कोई कोरोना वोरोना अच्छा नहीं। अभी सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर भी तो मंदिर, कुछ मंदिरों में जाएगा आसपास के, तो क्यों मास्क पहना है, मास्क उतार के आओ भगवान के सामने, तो मास्क क्यों पहन के आ रहे हो। अरे तुझे अभी अभी थोड़े दिन पहले किसी ने तो रामदेव बाबा का वो शेयर किया था ना, कि क्यों क्यों घूम रहे हो यहाँ के लिए, हमारे पास दो टैंक है ये सिद्दीका ने दिखाई थी, किसी ने तो दिखाई थी वो, कि एक घर में और एक पेरेंट्स की डेथ तो कोई कोविड की वजह से, और उनके 18 महीने का बेबी था, पर उनको पेरेंट्स ने सिर्फ उसकी मदर की डेथ हुई थी यूपी में। हाँ मदर की, फादर आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था, और दो दिन और किसी ने वो बच्चे को देखा तक नहीं, दो दिन के लिए वो भूखा ही था। कैसे पता लगा पड़ोसी को? नहीं तो पड़ोसियों को कैसे पता लगा, हाउ डू दे नो? तो पड़ोसी के मुझे तो इसमें ये भी न्यूज़ आ रही है कि चाइल्ड वेलफेयर से है और ऐसा वैसा करके उनको ले जा रहे हैं और बेच दे रहे, ऐसा सब किया। बहुत इतनी बुरी हालत में भी कुछ लोग, अरे कितना हो रहा है यार ये स्कैम्स, कितने हो रहे हैं, एम्बुलेंस के स्कैम है, ऑक्सीजन के है, रेमडेसिविर के स्कैम है, कितने स्कैम्स है। कर्नाटका में हॉस्पिटल बेड स्कैम में पकड़ा ना बहुत किसी को, तो बहुत बड़ा रैकेट था। हाँ बहुत बड़ा रैकेट निकला वो, तो बाप रे।
पता नहीं वेरीफाइड है। मैंने तो ये भी सुना था कि एक शादी में लगभग सभी को बुखार था और सब पैरासिटामोल खा के शादी में अटेंड करने आए थे ताकि फीवर ना डिटेक्ट हो जाए, मतलब कमाल की बात है। और सब नाच भी रहे हैं, दवाई का असर इतना फास्ट हो गया ना। पैरासिटामोल बढ़िया है यार, सबको मार उसी से ठीक हो जा रहे। अरे लोग जाएंगे भी, पता है तुझे, लोग डर के मारे, बहुत सारे लोग तो ऐसे जो चाहते भी नहीं डर के मारे कि अगर बुखार हो गया कुछ हो गया तो वो जाते नहीं डॉक्टर के पास, बोलते हैं ना तो कोविड पॉजिटिव है बोल के तुम कोर्ट पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे ऐसा बोलते हैं। दिल्ली में ही तू ले ले कि हर 5 में से एक रिपोर्ट कह रहे हैं मे बी नेगेटिव आ रही हो, तब भी तुम्हें हो सकता है कि कोविड पॉजिटिव हो। तो अगर तुम्हें सिम्टम्स है तो तुम उसे खुद ही घर पे ट्रीट करो, अगर माइल्ड सिम्टम्स में है तो उसे कोविड का ट्रीट करो और वही प्रिकॉशन लो। तो अभी दिल्ली में क्या बोल रहे हैं कि आप घर में रुक, घर पे ही ट्रीट करो, ठीक है। हाँ, अभी हाँ, अभी इधर कैसा है ना, मैं तो मुंबई का बता रहा हूँ। अभी जैसे मेरे मेड को ही, मेड के जो नेबर को कुछ बुखार वगैरह आ गया था, तो फिर बाद में मेरे भाई ने उनको बोला कि आप एक बार डॉक्टर वॉक्टर को दिखा दो, तो वो बोलते कि नहीं 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 हम नहीं भेजेंगे डॉक्टर के पास उनको। तो सामने बोला क्यों, बोलता कि वो लोग बोल रहे कोरोना पॉजिटिव है और उठा के ले जा रहे हैं कोरोना सेंटर में। तो वो डर के मारे आइसोलेशन ही है, लोगों को एजुकेट करना कितना जरूरी है इन सब मामलों में। अरे वो डर के मारे जा ही नहीं रहे, उसको बुखार है बेचारे, क्योंकि डर भी इसलिए है ना क्योंकि फर्स्ट वेव में जो उन्होंने कोविड सेंटर्स की हालत देखी, खाने को नहीं मिल रहा, लोगों को जबरदस्ती बांध के रूम में बंद कर दिया। तेरे को एक स्पेशल स्टोरी बोलता हूँ फर्स्ट वेव की। मेरे जो फादर इन लॉ है उनके प्रेस में एक एम्प्लॉय था, ठीक है, उसको हो गया था कोरोना वायरस, तो उसको फिर एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में एडमिट कराया 2 हफ्ते तक। और वहां पे वो काफी अच्छा वेल मेंटेन्ड सेंटर था और वहां पे 3 टाइम का मील वगैरह सब मिल रहा था। और उसने अपने बीवी और बच्चों को गांव भेज दिया था क्योंकि इसको कोविड हो गया बोल के उनको आइसोलेट करने के लिए उन्होंने गांव भेज दिया। और ये इधर भर्ती हो गया कोविड सेंटर में, फिर 14 डेज या 21 डेज जो भी उस टाइम के हिसाब से पीरियड था, उसके बाद दोबारा उसके कुछ चेक वगैरह किए तो उसको बोला आपको कोरोना नहीं है आप घर जा सकते हो। वो भाई जाने को तैयार नहीं, बोलता है नहीं मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मेरे को बुखार आ गया है फिर से। और कम से कम 2 महीने तक वो सेंटर में ही था। उसको फिर इसके फादर इन लॉ ने कॉल किया, बोला कि अरे तेरी तबियत अभी कैसी है, बोलते मैं तो सब ठीक हूँ पर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो यहाँ पे 3 टाइम का खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है, मेरे को कौन ला के देगा 3 टाइम का खाना, मेरी बीवी भी गाँव गई है। तो वो सेंटर से घर जाने को राजी नहीं, बेड खाली करने को राजी। अभी मतलब तुम लोगों ने लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ा या नहीं पढ़ा, यही जो अभी इसने बोला कि लोग फायदा उठा रहे हैं जो इसका कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का, तो जो खान चाचा रेस्टोरेंट है दिल्ली में, हाँ देखा मैंने, मैंने देखी वो न्यूज़। उसका जो हाँ, तो उसका जो ओनर है, नाम है फॉरगेट, तो उसको वो अब फरार है लगभग 500 से ज्यादा कंसंट्रेटर, उसके 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रेस्टोरेंट में मिले। मतलब अच्छा, वो होर्डिंग कर रहा था, होर्डिंग कर रखी थी वो, फिर ब्लैक में बेच रहा था या व्हाइट में कैसे भी बेचे, पर बहुत बहुत कर रहे हैं। खान चाचा मतलब वन ऑफ द वेरी बिग चेन 1970s की है, ऑल्दो ये उसका रियल ओनर नहीं है, ये कोई हिंदू ही है जिसने टेक ओवर कर लिया था बाद में मुस्लिम लोगों से, उन्होंने फिर दूसरी ब्रांड खोल ली, नाम अभी भी खान चाचा ही है उसका, लेकिन ये कोई नॉर्मल और कोई बंदा है, कोई बिजनेस मैन है टाइप का, इसने टेक ओवर कर लिया। तू साले इसमें हिंदू मुस्लिम सब घुसा दे लफड़े, मतलब लफड़े करा रिलीजन के लिए, लेकिन ठीक है उसने एक एक उसने क्लैरिटी दे दी है कि हाँ कोई यहाँ पे खान चाचा और रेस्टोरेंट है, खान चाचा नाम ला रहा है लेकिन मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं है खान चाचा ना, क्योंकि लोगों ने यही ट्वीट किया है कि खान चाचा लोगों ने जबरदस्ती, लेकिन जबकि वो इन्वॉल्व ही नहीं है यहाँ पे, वो तो बिजनेस से कब के साइड हो चुके हैं लगभग 8-10 साल पहले, उन्होंने तो अपनी नई चेन खोल ली, लेकिन इसका नाम आज भी खान चाचा ही रखा हुआ है। और ये वो लोग ट्वीट ऐसी कर रहे हैं कि ये उन दोनों ने किया जो रियल ओनर थे, जबकि किया इसने सब कुछ। और ये अरे बहुत बहुत सारे उल्टे, एक तो वो कुछ कुछ आ रहे हैं कि जिन लोग अपना ब्लैक से या कैसे वैसे करके गैस सिलेंडर्स अरेंज भी कर रहे हैं और किसी को पता चल रही है तो वो आके ले जा रहे हैं, वीआईपी लोगों को दे रहे हैं, ऐसा भी है। ऐसे समझो अभी हॉस्पिटल हॉस्पिटल ना तुझे बोल जाए कि तेरे पेशेंट के पास 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, आप जाइए कहीं से भी जाके एक ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करा के लाइए, तो तू वहां से अपना जो भी ब्लैक में खरीद के खूब पैसे दे के पहचान वहचान ला के लेके आएगा अगर सिलेंडर, और किसी और को पता चलती है कि तेरे पास है तो वो और ये लगाते है पैसे लगाते या पहचान लगाते और तेरा छीन के ले जा रहे है जैसे भी सिलेंडर में। हाँ, किसी और पेशेंट के लिए, कोई वीआईपी के लिए,
ऐसा भी सुनने में आ रहा है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि ब्लैक में तो मेरे बहुत दोस्तों ने खरीदा है, 5,000-5,000 की चीज 50,000-50,000 में खरीद रहे हैं वो, इवन कंसंट्रेटर भी, ऑक्सीजन सिलेंडर भी। इस बेकार टाइम में भी लेकिन ऐसे कितने एनजीओ हैं जो हेल्प करने में लगे हुए हैं। हाँ, तो अरे एनजीओ लोग ही यार, लोग ही हेल्प करने में लगे हुए हैं, लोग कितने हेल्प करने में आ रहे हैं। टॉप पे आया दिल्ली में भी, जो सबसे पहले जिसने शुरू किया था क्या वो तो बहुत ज्यादा हेमकुंड फाउंडेशन, हेमकुंड अच्छा। अरे मिलाप ने भी किया ना यार, मिलाप ने भी बहुत हेल्प की, मैंने तो बल्कि एक एक कुछ कुछ वैन्स देखी है जहाँ पे वैन्स जा रही है और घर के पास जा रही है, वहीं पे लोग वैन में बैठ के ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस तरह की फैसिलिटीज मिल रही है। पर वो तुम्हें गुरुद्वारा के पास ही जाना है, अगर किसी को ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रही है, फील हो रहा है पर्सनली, तो वहां पे जाए और वो ऑक्सीजन वहीं पे ले ले, चेयर पे बैठा के या लिटा के उधर ही दे दे, गाड़ी कुछ भी व्हाटएवर। हां वो गुरुद्वारे ने शुरू किया और एन नंबर ऑफ गुरुद्वारों ने अभी शुरू कर दिया दिल्ली में। तो चलो मतलब कुछ लोग आपस में हेल्प करने के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर मतलब इतना बड़ा ये कैटास्ट्रोफी नहीं बन रहा है, मतलब मतलब बड़ा तो बन कर रहे हैं और वो बड़ा है, मदद करने वाले ज्यादा है, मदद करने वाले ज्यादा है। कितनी डेथ हो चुकी है अब तक इस वजह से, पहले तो हमें सुनने को ही नहीं मिलते थे कोविड वायरस हमारे फैमिली में, अब तो डेथ सुनने को मिलती है कि हमारे डिस्टेंट फैमिली में कोई एक्सपायर हो रहा है। भैया का कोई ना कोई निकला, भैया का एक्स कोलीग की डेथ, आज मेरे तीन डिस्टेंट रिलेटिव की डेथ हो गई है कोविड से, आज एक दिन में एक ही दिन में तीन डिस्टेंट रिलेटिव है। जो भाई है ना उसके पुराने ऑफिस में एक था बंदा आईटी एडमिन, वो उसकी डेथ हो गई, उसका भी कुछ एक वन या वन एंड हाफ ईयर का बेबी है। ये पेनफुल है। अरे हमारे जो पुणे की सोसाइटी यार, पुणे की सोसाइटी में भी एक जन की डेथ, तूने बताया था जो तूने तो बोला था तीनों इन्फेक्टेड है। नहीं इन्फेक्टेड तो अभी है, केसेस उधर एक्टिव केसेस 7-8 लोग रहेंगे इन्फेक्टेड, पर एक हां एक बंदे की डेथ हो गई और उसकी उसके भी छोटी बेबी गर्ल ही थी, वो अराउंड 7-8 मंथ्स की होगी। रियली सैड, मतलब इस तरीके से जाना। अबे लेकिन जैसे कि सिंगापुर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पर लोग डेथ होने से पहले भी काफी उनको फैसिलिटीज या चाहते हैं, मतलब कोशिश होगी कि ना मरे, मतलब सब तरह की फैसिलिटीज दिए जाएंगी। बिल्कुल, एक बहुत बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, जो वर्कर्स क्लास होती है तो उसमें एक बांग्लादेशी वर्कर था, उसको कोविड हो गया था एंड ही हैड एन हिस्ट्री ऑफ निमोनिया, तो उसको तो वो बहुत एक्सट्रीम में हो गया था, लेकिन सिंगापुर गवर्नमेंट लाइक सपोर्टेड फॉर 2.5 मंथ्स और 3 मंथ्स उसको पूरा वेंटिलेटर पे रखे रखा, जबकि सिंगापुर में वेंटिलेटर पे कॉस्ट इज एक्सट्रीमली हाई। तो वो पूरा सपोर्ट दिया, फिर नाउ ही इज टोटली फाइन। यहाँ पे कम से तो उसको कम पैसे नहीं लिया, माफ कर दिया सब, सब माफ कर दिया वो कोविड का वेंटिलेटर, सोच रहा है कितना, यहाँ पर तो लाख लाख रुपए लेते हैं सिंगापुर जैसी कंट्री, तो और महंगा है और बहुत ज्यादा महंगा है तो। और यहाँ पे 60,000+ केसेस आए हैं, लेकिन यहाँ पे अब तक सिर्फ 30 डेथ हुई है, 31 डेथ हुई है यहाँ पे, क्योंकि वो मैनेज कर पा रहे हैं वही जो आकाश ने बोला। अरे पर वही है ना यार कि नहीं नहीं वो समझ गया कि हमारे पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ कम है, वहाँ पर फैसिलिटीज ज्यादा है, लोग इंडिया को अगर कंपेयर करना है, कंपेयर करना है तो हम कंपेयर कर सकते हैं चाइना से, बट आई डोंट नो कि चाइना का डेटा कितना ट्रू है। और या फिर यूएस सिर्फ 90,000 केसेस इतने बड़े देश में, और जबकि हमसे ज्यादा पॉपुलेशन। अरे नंबर्स छुपा रहे हैं यार वो लोग, क्लोज नहीं दे रहे हैं इंडिया के जैसे अबे तो इंडिया में तो बोल रहे हैं 4,000 तो बोल रहे हैं, इंडिया में तो नहीं, इंडिया में तो चलो थोड़ा बहुत छुपा लिया या फिर क्योंकि मीडिया ओपन है, आधे भी छुपा लिया, लेकिन यार इतना तो नहीं छुपा रहे ना हम, अभी भी टॉप पे है। 80,000 इज नथिंग, हमारे तो दिन के 4,000 है, या उन्होंने खुद ही मैनिपुलेट किया है, क्या है किसी को नहीं पता। ये तो यूएनडी छुपा रखा है भाई, छुपा रखा है, छुपा है, यूएनडी फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। लेकिन अभी वहां पर सब ठीक हो गया, वहां पर सब ठीक हो गया बोल रहे हैं, वहां पे अभी सब ठीक हो गया, पार्टी कर रहे हैं कैसे। कोई समझ में नहीं आ रहा, रॉकेट गिर गया ना मालदीव्स के पास में, अबे साले चाइना की बात हो रही है, उनका रॉकेट वहां गिर गया तो बोल रहे चाइना का ही ना,
चाइना का तो रॉकेट गिरा। आई थिंक इट्स द सेकंड टाइम और फर्स्ट टाइम, द सेकंड टाइम की बड़ी थूतू हुई। तुमको पता है कि ये सालों ने थूतू नहीं हुई, ये स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए इनका ये पहला जाना था। नेक्स्ट ईयर तक उनका अपना इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन बन जाएगा, जो अमेरिका, रशिया और एक और कंट्री के बाद ये चौथी कंट्री होगी बस, जिसका अपना स्पेस स्टेशन होगा। और अभी का तो रॉकेट गिर गया ना। नहीं, पूरा रॉकेट नहीं गिरा, उसका कुछ पार्ट बैक पार्ट गया है। अरे पार्ट गिरा है, प्लान के हिसाब से है वो, ठीक है सब कुछ, एवरीथिंग उनका कंट्रोल में। वो नेक्स्ट ईयर तक उनका स्पेस स्टेशन बन जाएगा। ये साले हम लोगों की आदत ही है, जब स्टार्टिंग में उन बोला कि देखो चाइना में इतने केसेस हो गए, हम लोगों ने इतना वहां पर लोगों को बंद कर दे रहे हैं, मर जा रहे हैं, उनको खुश हो रहे थे इतने, हैं मतलब दूसरों को बोल रहे। मैं तो नहीं खुश हुआ, अरे लेकिन अरे अभी की बात नहीं बोल रहा, नॉर्मली बोल रहा हूँ, सबकी टेंडेंसी है कि दूसरों को बोल के। और अरे तो क्यों खुश हुए? नहीं, मेरे हिसाब से तो चाइना के नंबर करेक्ट छुपा रहे बोलो। नहीं, मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है तो जो रूल्स बनते हैं वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो उनकी टूटती है। समझ रहे हो? तो फिर और जैसे जो एक्सट्रीम जी टूटती है, क्योंकि मैं इस चैनल में वो फैमिली माहौल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और इंडिया और यूएस बहुत ही सिमिलर डेमोक्रेसी है दोनों कंट्रीज में, और यहाँ पे ही केसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम्स है हमारे देश में। अगर ये कुछ बोल रहा है, अरे ये तो गलत ही बोल रहा होगा, ये कुछ बोल रहा है, अरे ये तो गलत ही बोल रहा होगा, ये कोविड बोल रहा है तो ये मान ही लेते हैं कि कोविड नहीं है। तो ये एक्सट्रीम डेमोक्रेसी है, इतनी पोलराइजिंग प्रॉब्लम कर सकती है, और ये प्रॉब्लम दी है, और यही दो कंट्रीज मुझे ज्यादातर देखी है, ऑल्दो इटली, यूरोप, बट दे हैव डन गुड इनफ जॉब टू कंट्रोल द वायरस। पर मैं इसके नील की बात तो बोल रहा था कि खुश क्यों तभी, अगर कुछ लोग, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल खुश हुए भी रहेंगे उस वक्त, तो क्यों हुए? यू आर वन ऑफ देम। अभी जैसे तो उसी के तेरे लिए उसने बोला है, यू आर वन ऑफ देम, जब उनका रॉकेट खुश हो रहा है। जैसे तू बोल रहा है थूतू हुई, अभी अपने देश में कितनी थूतू हो रही है। मेरा एक दोस्त है तंजानिया में, हो रही है ना, तो ये देखिए उनका रॉकेट अटेम्प्ट। अरे बड़े भाई, मेरे को पॉइंट तो मेरा पूरा करने दे कि अभी उनका क्यों उनके मजे लेते हैं, या उनके साथ कुछ बुरा था तो लोग क्यों उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि वो हमारे ऊपर अटैक करने की देख रहे थे ना। अभी सेम चीज अगर कोई दूसरी कंट्री होती, फॉर एग्जांपल जर्मनी का होता है कुछ होता, तो शायद बहुत सारे लोग उनके साथ सिंपथाइज भी करते। और अगर वही तू पकड़ के चल, अगर चाइना की जगह पे पाकिस्तान होता तो और ज्यादा थूतू करते उसकी। पाकिस्तान के तो बचता ही नहीं है ना, तो वही डिफरेंस आया था ना, कि तुम हर चीज को मिक्स थोड़ी करते हो, हर चीज को एक ही एंगल से थोड़ी देखोगे। हाँ वही, अगर हर चीज को एक ही एंगल से देखोगे तो बात फिर तो तू हर चीज में तू करेगा तू पाकिस्तान। लेकिन कितना घंटा, अरे बहुत टाइम हो गया। रैपअप करने से पहले जो अपना मेन टॉपिक था, कंगना रनावत क्या चाहती है लोगों से। कंगना रनावत, तेरे को मैंने किसके ऊपर मस्त कंगना रनावत को हो गया कोरोना, ऐसा कुछ तो आया था ना न्यूज। हाँ, हाँ, तो कोरोना हो गया, और उसने खुद इंस्टाग्राम में लिखा है। हाँ तो फिर ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, तो मैंने ट्विटर पे एक मस्त मीम देखा, उसमें लिखा था कि कंगना रनावत टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19, तो नीचे किसी ने तो रिप्लाई किया, प्लीज गेट वेल सून कोविड-19। अरे उसके कंगना तो अलग ही लेवल पे है, पता नहीं। अरे क्योंकि उसकी मदर को वो बीजेपी ने इनवाइट किया ना टिकट देने के लिए, ठीक है ना, तो टिकट मिल गया तो तू कुछ भी बोलेगी क्या? और क्या, और क्या, ये तो रामदेव बाबा के दो ऑक्सीजन टैंक से भी ज्यादा। कंगना रनौत मेरे को लग रहा है कि राकेश सावंत की कैटेगरी मारी थी, कितनी अच्छी एक्ट्रेस है ये, इसीलिए बची हुई है बस। देख वो अपने प्रोफेशन से बची हुई की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बस बहुत अच्छी एक्ट्रेस है अभी भी है क्या? अरे हाँ ना यार, अभी उसको लाया है जो पंगा मूवी है, लेकिन सब लोगों ने कैंसिल कर दिया ना उसके साथ जो भी डील करी थी। हाँ, वो तो सिर्फ लोगों ने किया है, ब्रांड्स ने कराया, सब ने नहीं। मैं उसके एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, एक्टिंग की, जो अभी उसके कबड्डी की पिक्चर आई थी ना पंगा, उसने काफी अच्छा किया। इतना पैसा है, वो अपनी खुद मूवीज डायरेक्ट करेगी, खुद प्रोड्यूस करेगी और खुद रिलीज करेगी। लोग नहीं, पर अच्छा काम करती है, पिक्चर भी ठीक चलती भी है, पर वो बोलती कुछ भी है। उसका ट्विटर बंद हुआ यार, एक वो भी अच्छा हुआ। अबे फिर चालू हो जाएगा यार, फिर चालू हो जाएगा। पहले सिर्फ उसकी बहन रंगोली बोलती थी, वो कुछ नहीं बोलती थी, और फिर अचानक से जब वो करण जौहर का केस आया, और फिर जब उसने ज्यादा बोलना शुरू किया, उसका तो बंद ही नहीं हुआ, उसका बोलती बंद। सुशांत सिंह के बाद तो वो बंद ही नहीं, उसके बाद से, हां उसके बाद से सारा ही गुस्सा निकाल रही है वो। अभी अभी कार्तिक आर्यन वाला जो केस हुआ, उसे दोस्ताना से निकाल दिया बिहेवियर के लिए,
तो उसने कहा कि अगर ये कोई बॉलीवुड नेपोटिज्म वाला होता तो वो क्या कैसा बिहेव करे, तुम नहीं निकालते इसे बिना कुछ वार्निंग के ही निकाल दिया तुमने। नहीं नहीं तो ये अभी वो पहले वैसा अंकुर ने ना बहुत टाइम तक वो कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं बोलती थी। हाँ। फिर वो रंगून मूवी के लिए उसको कॉफी विद करण पे जब इनवाइट किया था तो जो उसने करण जौहर की तब से जो मस्त मिली वो तो तभी तो बड़ा मजा आया था कॉफी विद करण। अगर तुमने किसी ने तुम में से नहीं देखा है उसको डायरेक्ट बोल वो सैफ, हाँ सैफ के साथ आई थी तो यू आर द फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म और बहुत 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 बोला है वहां तो उसके तब भी तो बोला था अच्छा चलो अभी रैप अप करते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, मगर उठाना पड़ेगा वो निकाल के। मेरी कब से बंद हो चुकी है, मेरी स्टार्टिंग के बस आधे घंटे ही चली थी। अरे अच्छा। तो चेतन का तो यहाँ से उठा लिया तू? हाँ मेरा उठा लिया यहाँ से, जितना यहाँ से मिलता है यहाँ से। और चेतन और नील को चलो मैं ऑफलाइन बताऊंगा। चलो ठीक है, इसी के साथ बाय बाय। मैं अंकुर, बाय बाय आकाश, ये आकाश, अरे तेरा वाला कितना मेरे साथ वो करता रहेगा सेटअप। एक क्लोजिंग म्यूजिक जैसे से शुरू किया था। इस बेड टाइम पॉडकास्ट साइनिंग ऑफ। बाय गाइस, सो जा, बाय सो जा, चलो बाय 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 बाय।